एक्सरसाइज 13.6। तो पहला क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। ये जो इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये है टू पाई आर दे रखा उन्होंने आपको 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दिया उन्होंने आपको 25 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, मतलब बात हो रही वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है। देखो पाई है, आर है, एच हाइट ये आपका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। 2 पाई आर कितना है, 132 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। आर का वैल्यू 132 इंटू 7 2 इंटू 22 6 2 3 रेडियस आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। रेडियस भी पता है आपको, हाइट भी पता है आपको, क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह लगाना है आपने 22/7, आर की जगह लगाना है आपने 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह लगाना आपने 25 सेंटीमीटर। 7 3 21 22 3 66 16 12 13 कितना आ गया, 22 66 इंटू 21 आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या है आपका ये 25 सेंटीमीटर, जो इसका हाइट है 1386 इंटू 25 56 30 53 53 14 19 69 30 26 12 23 17 72 102 346 346 50 346 50 निकल गया हमारा 3 4 6 5 0 हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब हमारा, ये निकल गया हमारा वॉल्यूम, क्या निकल गया हमारा वॉल्यूम। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 प्लस के बाद डेसिमल, तो 34.65 लीटर हमारा क्या आ गया वॉल्यूम। सिंपल सा खेल है, कोई बड़ा गेम नहीं है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 25 सॉल्व किया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया, आंसर आ गया लीटर में। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या था हमें, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। देखो इनर डायमीटर मतलब ऐसा है, ये ऐसे ऐसा, अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ अ वुडन पाइप, इनर डायमीटर मतलब 2R, छोटा वाला आर, 2R इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर मतलब बड़ा वाला 2R इज हाउ मच 28 सेंटीमीटर। यहाँ से पता लगा छोटा आर 12 और बड़ा आर 14। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ अ पाइप, यह हॉलो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एच। पाई की जगह क्या लगाना है आपने, 22/7, बड़ा आर मतलब 14 स्क्वायर, छोटा आर मतलब 12 स्क्वायर, हाइट कितना दिया उन्होंने आपको, लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट, आगे कह रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो वेट है वो 0.6 ग्राम है, तो इतने का वेट क्या होगा, इसको 0.6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 196 में से 144 को माइनस करना है इनटू 35 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 196 माइनस 144, 6 में 4 के 2 52, 22/7 इंटू 52 इंटू 35, 7 5 जो 35, 22/5 जो 110 इंटू 52, इससे क्या निकल गया वॉल्यूम, क्या निकल गया इससे वॉल्यूम, 110 इंटू 52 0.02 एकम 2 5720 सेंटीमीटर क्यूब, क्या निकल गया वॉल्यूम हो गया।
अब आपको ये कह रहे हैं कि एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट 6 ग्राम है, तो इतने का वेट कितना होगा, 5720 × 6 ग्राम, ये ग्राम है 6 ग्राम, इसको केजी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 57206/1000 का कैंसिल करिए, क्या में चेंज हो गया, केजी में। अब यहाँ देखिए 57206 से करिए, 6 × 12 = 42 = 43 = 3432, क्या आ गया हमारा 3432 केजी, 2 प्लस के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 34.32 केजी। सिंपल सा खेल है, केवल कैलकुलेशन है और कोई बड़ा काम नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया थर्ड वाला, अ सॉफ्ट ड्रिंक, क्या बोल रहे वो, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक, ठीक है, टू पैक, दो किस्म की पैकिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे टू पैक, अ टिन केन, एक तो टिन केन रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसका बेस लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है आपका इसका 15 सेंटीमीटर है। अगला है एक सिलेंड्रिकल, अगला है आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल वाले में क्या कह रहे हैं, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। आपको ये पता लगाना है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, किसकी सॉफ्ट ड्रिंक जेल टू पैक ड्रिंक इतना इतना हाइट इतना प्लस इतना, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो दोनों का क्या निकालना है अपने वॉल्यूम, तो पहले निकालेंगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया उन्होंने आपको 10 सेंटीमीटर, 15 × 4 = 300 cm³ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। सिलेंडर का निकालने के लिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय आर स्क्वायर एच बाय 22/7, डायमीटर 7 है तो रेडियस होएगा 7 का आधा, और हाइट कितना आपका 10 है, 7 से 7 कट कैंसिल, 2 11 जा 2 5 जा, 7 × 35 = 11 कितना हो गया 385, ये आ गया हमारा 385 cm³, ये इसके वॉल्यूम में हमारे आ गए 385 cm³। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल दिया, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप देखिए किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंडर की ज़्यादा है, बाय हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 385 में से 300 को माइनस करा, आंसर आएगा 85 cm³। नाउ हमारा क्वेश्चन अगला है फोर्थ वाला में कह रहे हैं इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, 2πRH किसके बराबर है, 94.2 cm² के बराबर है, और हाइट 5 है, हाइट 5 है, और पाई क्या लेने के लिए कह रखा है उन्होंने 3.14, आर इन्होंने नहीं बताया, हाइट भी इन्होंने बताया आपको 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और क्या निकालेंगे, आर 94.42 cm² नीचे 2 × 3.14 × 5 cm, देखो यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा हमारा, ऊपर इसको काटा हमने 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 1 × 4 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, और ये हो गया 3.14 × 5, इससे क्या निकल गया हमारा, आर निकल गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अभी हम लोग देखते हैं क्या गेम बन रहा है, 3.14, ये 2 प्लस को हटाने के लिए 2 0, 1 प्लस को हटाने के लिए 1 0, ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ छोटी छोटी गलती हो रही है लग रहा है, अभी चेक करते हैं क्या हो रहा है, 5 × 10, 2πRH = 94.2, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, 2πRH होता है, ठीक है ना, 2πRH, 2 की जगह 2, π की जगह 3.14, R की जगह H, हाइट 5, ठीक है, इतना R आ गया 94.2 / 2 × 3.14 × 5, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, इसका 2 कहाँ गुम कर दिया मैंने, इसका 2 मैंने गुम कर दिया शायद ना, यहाँ 2 था, यहाँ से 2, हाँ 2 × 4 = 8,
47.1 × 2 = 2, 242 या 314 आ गया। खटाखट बोली की चोट में आंसर 314 3 जा आर कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यूनिट लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर हाइट, हाइट कितना दिया मैंने आपको 5 सेंटीमीटर, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 3.14 × 45 cm³, 3 × 4 × 45 = 20, 7 × 5 = 20, 4 × 5 = 16, 4 × 5 = 43, 12 = 6, 4 × 5 = 3 दो प्लस के बाद डेसिमल, तो 141 पॉइंट, मतलब मैंने 141.3 cm³ या आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 4 का रेडियस ऑफ बेस भी निकल गया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। और नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमें इट कॉस्ट 2200 रुपये का खर्चा आता है टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, और पेंटिंग का खर्चा है 20 रुपये पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर होता तो 20 रुपये लगता, 2200 रुपये खर्च हो रहा है। पेंट कौन सा सरफेस होता है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर पेंट हो रहा है, ठीक है, उसका खर्चा कितना आ रहा है आपका 2200 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपये, तो इसका मतलब हो गया 0 0 के जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया वो कितना 110 मीटर स्क्वायर है। ढंग से समझाओ, 2200 रुपये खर्चा आता है, 20 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का लेता है, 2200 रुपये लिया तो इसका मतलब उसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना है 110 मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर तो यही था, उन्होंने बोला कि कर्व सरफेस एरिया कितना है, आंसर हो गया 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आर निकालना है, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, आर निकालना है 2 × 22/7 आर निकालना है, हाइट भी दे रखा है आपको 10 मीटर। देखो आर इज इक्वल टू 110 × 7 2 × 22 × 10 22 5 × 5 2 × 10 तो आंसर आ गया 7/4 cm। सेकेंड पार्ट में रेडियस निकल गया 7/4 cm हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में निकालना आपने इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट में निकाला 7/4 का मतलब कितना हो गया 4 × 1 = 4 1.75 cm, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं इसका, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सॉरी ये मीटर में है, क्या मैं मीटर में, ये सब मीटर में है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल का मतलब बात हो रही है इसकी वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई की जगह वही 22/7 और आर, आर की जगह 7/4 × 7/4 और हाइट कितना बोला इसने 10 मीटर, हाइट बोला 10 मीटर, 0 0 गेट के आंसर 2 × 2 = 4 2 × 11 = 11, ठीक है, 2 × 5 = 10। अब क्या करेंगे 11 × 7 = 77, 77 × 5 = 385/4 क्या आ गया हमारा, ये 385/4 क्या आ गया, ये 385/4 मतलब हो गया 96.49 × 36 = 2525 मीटर क्यूब को अगर किलोलीटर में लिखना है तो आंसर आएगा 96.25 किलो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो फिफ्थ का मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैंने कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं करा, केवल फार्मूला लगाता गया, आंसर निकालता गया। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्स्थ वाला, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा सिक्स्थ वाला, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है द कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसने कहा इसकी कैपेसिटी है आपकी 15.4 लीटर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, ठीक है,
हाउ मेनी स्क्वायर कैपेसिटी इतना ऑफ हाइट 1 मीटर आर स्क्वायर हाइट 1 मीटर इस लीटर को क्या हमें चेंज करना है मीटर क्यूब में तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें चेंज हो गया ये मीटर क्यूब में आर स्क्वायर इंटू 1 मीटर सब कुछ मीटर में सब कुछ मीटर में आप 15.4 × 7 × 22 × 1000 ध्यान से देखते जाइए ये लिखा मैंने आर बाय आर स्क्वायर एच ठीक है अब यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगा दिया मैंने 0 × 22 × 7 ये आ गया 49/1, 2, 3, 4, 0 आर स्क्वायर आर निकालना है तो इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट 49 × 7 नीचे का 100 तो आर का वैल्यू आ गया 0.07 क्या बोला मैंने 0.07 मीटर क्या आ गया 0.07 मीटर इससे क्या निकल गया रेडियस अब बोले कितना स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इस डब्बे को बनाने के लिए कितने मेटल शीट की ज़रूरत पड़ेगी क्लोज्ड है ऊपर से भी बंद नीचे से ही बंद और साइड से बंद तो क्या निकाला जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकाला जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 बाय आर प्लस एच 2 × 22/7 × r हो गया 0.07 r 0.7 हाइट हो गया 1 सब कुछ मीटर में देखो 2 × 22/7 इस 7 को हटाने के लिए 100 हो गया 1.07 दो प्लेस को हटाने के लिए 20 और अब क्या आएगा 7 से 7 का आंसर 44 × 107 107 × 44 मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मैं कैलकुलेशन कम से कम कर रहा हूँ और काट पीट भी वही कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है ताकि आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही आए 1, 2, 3, 4 चार प्लेस के बाद डेसिमल तो 0.4708 क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर क्योंकि क्या निकालना आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्या निकालना आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है निकल गया दोबारा फिर समझाएं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा यह ना क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा हमें द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना है ये लीटर दिया उन्होंने इस लीटर को मैंने क्या करा मीटर क्यूब बनाने के लिए 1000 लगा दिया आर स्क्वायर लिखा मैंने आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई होने का पॉइंट बढ़ाने के लिए 0 लगा दिया आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आर का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट निकाला आर आ गया अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसको बनाने के लिए कितने शीट की 2 बाय आर प्लस एच सॉल्व किया आंसर आ गया 0.07 अब क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेवन्थ और एट्थ दोनों क्वेश्चन सेवन्थ वाला ज़्यादा टेढ़ा भी है और बढ़िया भी है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ ठीक है चलो सेवन्थ को मैं अगले पेज में करूँगा मैं एट्थ को कर रहा हूँ उस पेज में पहले एट्थ करता हूँ फिर सेवन्थ कर दूँगा एट्थ वाला और पेशेंट इन हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में पेशेंट को सूप मिलता है क्या मिलता है सूप मिलता है सिलेंड्रिकल बाउल में ऐसे में सूप मिल रहा है बालक को ठीक है डायमीटर जिसका कितना है 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप डला हुआ है इसको तो 250 पेशेंट को कितना सूप मिलेगा सिंपल सा खेजल है वॉल्यूम ऑफ वन बाउल सेफ सिलेंडर है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर डायमीटर 7 है रेडियस 7/2 हाइट कितना आपका 4 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब 2 × 4 × 2 का आंसर आ गया 154 एक बाउल में 154 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो 250 बाउल में कितना आएगा 250 को 154 सेंटीमीटर क्यूब से क्या करेंगे इंटू करेंगे 250 × 154 × 527 आंसर आया 3750 क्या आ गया आपका 3750 ठीक है 3738 हो देखो 4 × 25 × 25 × 6 × 7 3850 सेंटीमीटर क्यूब और अगर लीटर में चेंज करना है इसको तो
तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, थाउजेंड से, थाउजेंड डिवाइड करेंगे एक दो तीन, आंसर आएगा 38.5 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर लिख दिया मैंने, लीटर में भी आंसर लिख दिया। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करूँगा, वैसे लास्ट एट्थ है, हम सेवन्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। सेवन्थ वाला क्वेश्चन टेढ़ा है, ढंग से समझाऊँगा आपको, सिखाऊँगा, अगर आप समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ बोल रहा है, ये पेंसिल है, ऐसा करके ध्यान दो, ये पेंसिल है, पेंसिल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है ना, ये पेंसिल है। इस पेंसिल का ये बीच वाला हिस्से को हम बोलते हैं ग्रेफाइट का होता है, किसका होता है, ग्रेफाइट का, और ये वाले हिस्से में क्या लगी होती है, लकड़ी, ठीक है, वुडन होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अंदर बीच में ग्रेफाइट बनता है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, जो पेंसिल का डायमीटर मतलब बड़ा वाला आर, बड़ा वाला जो आर है, डायमीटर है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस होगा 7 मिलीमीटर अपॉन 2, बड़ा वाला, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ा वाला आर भी लिख के दिखाया। और बीच में जो ग्रेफाइट है, बीच में जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो 1 अपॉन 2 मिलीमीटर, ये छोटा वाला आर, ये बड़ा वाला आर। तो पहला सवाल पूछा है, लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, दो जात हो गई, एक मीटर की और एक सेंटीमीटर की, सब जात को क्या में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में। इस मिलीमीटर को देखो, ये बड़ा वाला जो डायमीटर दे रखा है, बड़ा वाला डायमीटर दे रखा है, हमने 7 मिलीमीटर मैंने 2 लगाया नीचे, ताकि क्या में चेंज, ये रेडियस में, ये डायमीटर क्या में चेंज है, रेडियस में। अंदर वाला ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, 2 से डिवाइड कर, क्या में चेंज हो गया, ये आपका रेडियस में। अब इस मिलीमीटर को क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करो, 7 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, 7 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, ये रेडियस है किसका, ग्रेफाइट का, ये पेंसिल का रेडियस है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, वुड और ग्रेफाइट का निकालना है। सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सिंपल सा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई, आर की जगह 1 अपॉन 20। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है भाई, ये मैंने नीचे जो जीरो ले आया, ये क्या में चेंज हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, एच हाइट इन्होंने दिया आपको 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब, पाई की जगह 22/7, 1 का स्क्वायर 1, 20 14, 7 2 14, 2 200, तो 22 अपॉन 200 सेंटीमीटर क्यूब, 22 अपॉन 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ, क्या निकल गया आपका, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, 22 अपॉन 200। पॉइंट वाइंड में आंसर निकाल रहा है, 22 को 200 से डिवाइड कर लेते हैं, 22 कैसे डिवाइड कर लेते हैं, 200 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 0.0, 200 बन जा, तो कितना आ गया, 0.11, ये आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं कराया, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और कोई भी जादू नहीं चलाया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, इतना आ गया वॉल्यूम ग्रेफाइट। दूसरा पूछा उसने वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछा उसने, फाइंड द वॉल्यूम वुड एंड डेट ऑफ ग्रेफाइट, ये तो किसका निकला, ग्रेफाइट का। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकाला, वुड का निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, बस ये पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई, पेंसिल का जो डायमीटर है 7 अपॉन 7, तो डायमीटर है 7 अपॉन 20, क्या में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है इसमें आपका, एच इन्होंने आपको दे रखा है कितना, एच दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन 20 स्क्वायर इंटू 14, इसमें से इसको माइनस करना, क्या क्या कॉमन है, देखो पाई कॉमन है, 14 कॉमन है, 20 स्क्वायर भी कॉमन है, क्या बच गया ऊपर, 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, पाई की जगह 22/7, 14 की जगह 14, 20 का स्क्वायर 400, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 7 2 14, 22 44 अपॉन 400, 49 में से बन गया
48, ठीक है। अब ये हो गया 400 4 12 44 into 12 44 into 12 2 4 5 28 upon 100, दो प्लेस के बाद डेसिमल 5.28, क्या बोला मैंने 5.28 सेंटीमीटर। फिर समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को शुरू से। ये पेंसिल है, ये ग्रेफाइट का हिस्सा है और ये लकड़ी का हिस्सा है। जो बड़ा वाला डायमीटर है, बड़ा वाला डायमीटर किसका होगा, पेंसिल का, 7 मिलीमीटर दे रखा है। मैंने रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने नीचे 0.20 इसलिए बना दिया ताकि मिलीमीटर क्या में चेंज आए, सेंटीमीटर में। ये तो हो गया आपका 7/20 सेंटीमीटर रेडियस पेंसिल का। और ये 0.5 मिलीमीटर किसका है, डायमीटर का, ग्रेफाइट का। डायमीटर 1 था, रेडियस 2 से डिवाइड करा तो आ गया मिलीमीटर में। मैंने नीचे 0 लगा दिया, क्या में चेंज कर दिया, इसे सेंटीमीटर में। तो ये रेडियस किसका आ गया, ग्रेफाइट का। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, सबको सेंटीमीटर में आंसर आ गया, इतना डिवाइड किया इतना आ गया। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिलेगा, पाई 7/40, 20 का स्क्वायर इंटू 14। दोनों में पाई कॉमन है, बाहर है, 14 यहाँ भी है, यहाँ भी है बाहर कॉमन, यहाँ भी 20 स्क्वायर है, यहाँ भी 20 स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 7 स्क्वायर, यहाँ 12 स्क्वायर, 49 में से बन गया 48, बाकी मैं काटा पीटा आंसर हमने निकाल दिया 5.28 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कुछ भी प्रॉब्लम आए कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, और व्यूज़ वाले कॉलम में अपने ज़रूर कमेंट लिखिए। थैंक यू।